पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूरी पर विकासखंड बेरीनाग में राई आगर के पास चचरेत गांव में कोटेश्वर महादेव मंदिर और गुफा है। मान्यता है कि इस गुफा में आज भी भगवान शिव निवास करते हैं। ये गुफा 50 मीटर लंबे क्षेत्र में फैली हुई है। इस गुफा का स्कंद पुराण और मानस खंड में भी उल्लेख है। देखिए रिपोर्ट। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूरी पर विकास खंड बैरीनाग में राई आगर के पास चचरेत गांव में कोटेश्वर महादेव मंदिर और गुफा है। मान्यता है इस गुफा में आज भी भगवान शिव निवास करते हैं। ये गुफा 50 मीटर लंबे क्षेत्र में फैली हुई है। इस गुफा में प्रवेश करने के लिए बहुत ही सकरा द्वार है। गुफा के भीतर से शिव का स्नान कुंड के अलावा एक शयन कक्ष भी मौजूद है। इस गुफा का संकद पुराण और मानस खंड में उल्लेख है। मान्यता है 16वीं सदी में काशी के राजा मृत्युंजय को गंभीर कष्ट रोग हो गया था। बहुत अधिक उपचार के बाद रोग ठीक नहीं हुआ तो उन्हें सपने में शिव ने पाताल भुवनेश्वर और कोटेश्वर गुफा के बारे में बताया। दोनों जगहों पर स्नान करने से राजा रोग मुक्त हो गया। आज भी मान्यता है कि कोटेश्वर गुफा और मंदिर दर्शन के पास में हरिकुंड है। यहाँ पर 7 कुंड हैं, एक छोटी सी गुफा है जहाँ पर भगवान विष्णु और शिवजी के कई रूप हैं। इस कुंड पर आकर नहा धोकर पूजा अर्चना कर मंदिर में पूजा पाठ और गुफा के दर्शन करते हैं। इस जल को गंगा जल के रूप में प्रयोग करते हैं। गुफा के भीतर 7 कुंड हैं, जिसमें महामृज्जिक कुंड, ऋषि कुंड, हरि कुंड, ब्रह्म कुंड, कुबेर कुंड, सर्फ कुंड। हर कुंड का अपना अपना अलग महत्व है। सभी कुंडों में स्नान करने के बाद उसका जल चढ़ाने से पुत्र की कामना पूरी होने के साथ गंभीर से गंभीर रोगी भी ठीक हो जाते हैं। गुफा के भीतर शिव जटाएं थीं, जिससे दूध बहता था। शिव के अनेक रूप होने के साथ साथ यहां पर एहरावन हाथी, शेषनाग, शिव की शिला, शिवलिंग के चारों ओर सांप की आकृति बनी हुई है। यहाँ पर एक गुफा भी है जहाँ से होकर मोक्ष को रास्ता जाता है। इस परिसर में एक देवदार का वृक्ष है जिसकी मोटाई 20 फीट है और लगभग 1000 वर्ष पुराना पेड़ है। इस पेड़ के आसपास कोई अन्य पेड़ नहीं उगता है। यहाँ पर वर्ष भर भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में यहाँ पर पूरे महीने भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर जल चढ़ाने को लेकर हमेशा भीड़ रहती है। रुद्राभिषेक के साथ शनिदान के साथ उपनयन संस्कार भी किया जाता है। हमारे यहाँ का ये प्राकृतिक झरना है। इसमें हमारा ये जो है ऊपर से जो हमारे यहाँ नर्मदा नदी जो आती है, नर्मदा नदी में ये कुंड बना हुआ है। इसे हम हरिकुंड के नाम से जानते हैं। मतलब ये जमा प्राकृतिक बना हुआ है, बहुत पहले से बना हुआ है। तो यहाँ विष्णु जी, यहाँ हमारे जैसे ऊपर शिव जी रहते हैं तो यहाँ विष्णु जी का वास है। इस क्षेत्र की प्रसिद्ध गुफा होने के बाद सरकार और पर्यटन विभाग की नजरें आज तक इस गुफा पर नहीं पड़ी है। मुख्य पुजारी जीवन चंद्र भट्ट ने बताया कि कई बार गुफा के सौंदर्यकरण और रख रखाव के लिए सरकार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यहां पर कुछ कार्य नहीं हो पाया। गुफा के बाहर कुछ पिछले वर्ष बरसात में टूट गया था। अंदर कई स्थानों पर खतरा रहता है। यहाँ पर स्थायी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होने से गुफा दर्शन के दौरान
कभी कभी अचानक बिजली चले जाने से भक्त परेशानी में आ जाते हैं। यदि सरकार इसे पर्यटन और धार्मिक स्थल से जोड़े तो यहाँ पर्यटकों को काफी कुछ देखने को मिलेगा। गुफा जो है काफी प्राचीन है, पौराणिक गुफा है, जिसमें जो है हरिद्वार के एक राजा थे, महामृत्युंजय नाम था उनका। उन्होंने इस गुफा की खोज की, करीब 14-15 सदी की बात है। वैसे गुफा प्राचीन काल से चली, शतक से चली आई है। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से 110 किलोमीटर दूरी पर विकासखंड बेरीनाग में स्थित कोटेश्वर गांव में कोटेश्वर महादेव की यह गुफा अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। इस गुफा में शिव जी के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। यह गुफा अपने आप में अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है। यह गुफा एक अद्भुत रहस्य बना हुआ है। यहाँ पर बहुत से भक्तों के द्वारा पूजा पाठ की जाती है। सावन के महीने में यहाँ पर पूजा पाठ का विशेष आयोजन भी होता है, लेकिन सरकार की नजरें आज तक इस गुफा पर नहीं पड़ी। ये सरकार चाहे तो इस गुफा को पर्यटन के रूप में विकसित भी कर सकती है। कोटेश्वर से न्यूज इंडिया के लिए प्रदीप मेहरा, कैमरामैन गोविंद के साथ।